टीचर जब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उन बच्चों में बैठी एक भूतिया लड़की उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। वो टीचर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टीचर को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो फिर से एक बार बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन तभी भूतिया बच्चे हवा में उड़ते हुए उसके पास आने लगते हैं। टीचर को घबराहट होने लगती है। वो जैसी फिर से एक बार पीछे देखती है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। डर के मारे टीचर वहाँ से भाग जाती है। उसे लगता है क्लास में बैठे भूतिया बच्चों से मारना चाहते हैं। फिर वो एक तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। वो बाबा उसे भूतों को मारने के लिए हथियार देता है। फिर टीचर जल्दी से उस हथियार को लेकर स्कूल में आ जाती है और सभी भूतिया बच्चों को मारने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आकर टीचर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि टीचर को अपने क्लास के सभी बच्चे भूतिया लगते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। असलियत में टीचर ने भूत समझकर सच में क्लास के सभी बच्चों को मार दिया था।